हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ममाअर्थ का फेस करेक्ट फेस सीरम। ये सीरम बहुत दिनों से मैं लेना चाहती थी, तो फाइनली मैं इसे ले चुकी हूँ। इसे मैंने बहुत दिनों तक यूज़ की हूँ, लगभग 1 मंथ तक। उसके बाद मैं अपना रिव्यू देने वाली हूँ कि इसे यूज़ करने के बाद मैंने क्या इसमें नोटिस किया, सच में ये काम करता है या नहीं, मैं पूरा ही आपको वीडियो में बता दूँगी। और मुझे बहुत दिनों पहले बहुत सारे पिम्पल्स हो गए थे, और पिम्पल्स के मार्क्स वो भी बहुत दिनों तक रह जाते हैं, तो मैं इसे ट्राई करना चाहती थी कि सच में ये काम करता है या नहीं। मेरे जो भी पिंपल्स के मार्क्स थे वो कम हुए हैं या नहीं, वो आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। मैं सारे वीडियो में आपको बता दूंगी ये कितना काम करता है, और इसके बारे में सारे ही मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाला नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट करना मत भूलिए। ओके, पहले मैं आपको इसके पैकेजिंग के बारे में बता देती हूँ। ये आता है कुछ इस तरह का कार्डबोर्ड पैकेजिंग में, और इस पे लिखा है, इसमें है नियासिनामाइड एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट। नियासिनामाइड जो आपके स्किन में जो भी पिगमेंटेशन है या फिर एक्ने स्कार्स है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा भी इसमें आप देख लीजिए बहुत सारे ही इन्ग्रीडियंट्स हैं। ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हैं तो ममाअर्थ के वेबसाइट से ही लीजिए, तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कूपन कोड भी दे दूँगी, अगर आपको चाहिए वो आप अप्लाई कर दीजिए, उस पे आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री है, और ये प्लास्टिक जितना यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक वो रिसाइकल करते हैं, वो एक बेस्ट चीज़ है ममाअर्थ के बारे में। और ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, मैं बहुत सारे ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे ये सीरम भी लेना था। मैं ट्राई करना चाहती थी ये कितना मेरे स्किन पर काम करता है। मैं डे 1 से, जब मेरा पिंपल्स था उसके बाद से मैंने फ़ोटो ले ली हूँ अपने स्किन का, तो आप देख सकते हैं कि कितना डे बाय डे वो कितना मेरे रिड्यूस करते हैं स्कार्स को। और इसके पैकेजिंग के बारे में पहले बता देती हूँ, ये है 30 ml का प्रोडक्ट, इस पे आता है, इसका MRP है 599, और इसका सेल्फ लाइफ आपको 2 ईयर्स का मिल जाता है। इसमें व्हाइट कलर का एक ग्लास बोतल में आपको रिसीव होता है, उसके साथ ऊपर में ये आपको एक पंप मिल जाता है जिससे आपको प्रोडक्ट लेने में भी हेल्प होता है। और ये कुछ वाटरी फॉर्म में है, देख लीजिए, और ये आपके स्किन पे इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। इसे लगाने के बाद स्किन में थोड़ा सा भी ऑयलीनेस नहीं रहता है, ये स्किन पे लगाने के बाद ही ये स्किन अब्सॉर्ब कर लेता है। और ये प्रोडक्ट लगाने के बाद मेरा जो फाइनल रिव्यू है मुझे बहुत ही पसंद आया है, ये लगभग मेरा ख़त्म होने ही वाला है। मैं नेक्स्ट और एक भी इसे ऑर्डर करूँगी, क्योंकि इसे आपको रेगुलर बेसिस में इसे यूज़ करना है। आप 2-3 दिन लगाने के बाद आप रिज़ल्ट नहीं देख पाएंगे, अगर आप कंटिन्यूसली इसे यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली एक चेंज देख पाएंगे। जो भी आपके एक्ने स्कार्स है, मार्क्स है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं, बट आपको इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। मैं आपको डे बाई डे की फ़ोटोज़ भी मैं यहाँ पे दे दूँगी, ताकि आप देख सकें कि मेरे स्किन पे जो था पिगमेंटेशन, जो भी एक्ने स्कार्स, वो कैसे धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे हैं। डे 1 से डे 30 तक आप चेंजेस देख पा रहे हैं। डे 1 पे मुझे बहुत ज़्यादा ही पिंपल्स हो गए थे, और उसके बाद एक्ने स्कार्स भी थे जो धीरे धीरे रिड्यूस हो गए हैं। फिर भी अभी थोड़ा सा स्पॉट्स है, मुझे पता है इसे अगर मैं कंटिन्यूसली यूज़ करूँगी तो ये स्पॉट्स भी नहीं रहेंगे, तो इसे आपको कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप रिज़ल्ट देख पाएंगे। इसे यूज़ करने से पहले मैं अपने फेस को अच्छे तरह से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद सीरम को अच्छे तरह से सेक कर लेती हूँ। उसके बाद 4-5 ड्रॉप्स अपने फेस पे अप्लाई कर दीजिए सीरम, ये 4-5 ड्रॉप्स ही इनफ है। उसके बाद सर्कुलर मोशन पे अपने फेस पे मसाज कीजिए, ये बहुत जल्दी आपके फेस पे अब्सॉर्ब हो जाता है, और थोड़ा सा भी ऑयली नहीं लगता है, तो ये हर ऑल स्किन टाइप है। इसे आप यूज़ करके देखिए, आप भी रिज़ल्ट देख पाएंगे।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।